सजा के रख दी हूँ, अरेंज करके रख दी हूँ सारे सामान को, जितने भी बिखरे बिखरे सामान थे। सो मैं आप सभी को दिखाती हूँ बैक कैमरे से, और बहुत बढ़िया पर्दा दे देना। और इधर से माँ भी आ गई कि ना, बहुत बढ़िया पर्दा लगा देना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनीता रंजन ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का 6 बज रहा है, तो आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और घर में अभी देखिए सबको ये है, नानी है, नीतू है, बाबू है, लगनी है, नीतू और बाबू लेटे हुए हैं बस ऐसे ही। गुड मॉर्निंग नानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा। हाँ बोलिए, सबको भगवान का नाम लीजिए सुबह सुबह। कि भगवान के नाम ले जाए सुबह सुबह। हाँ, और नानी भी सो के उठ करके बैठी हुई है, और बाल सब देखिए ऐसे ही है, और बाल तो सब पक गए है। और अभी देखिए हाथ में गार्डर लिए हैं बांधने के लिए। हाँ। बांधेगी। और इधर देखिए, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ राधे राधे। गुड मॉर्निंग नीतू, बोल का है, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो राधे राधे। बाबू बोलता है, बाबू बहुत अच्छा लगता है। बोल ना। नानी भी बोल रही है, बोल दो नीतू। तो नहीं बोल रही है। गुड मॉर्निंग लगनी। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। और आज हम लोग का गांव का मंडा है, तो हम लोग का अभी साफ सफाई चलेगा घर का, और छुट्टी भी है ये लोग का स्कूल, आज तीसरा सैटरडे है ना, इसलिए छुट्टी है। नीतू, लगनी, सुमित, सबका छुट्टी है। हाँ। देखिए बाबू भी बातें कर रहा है। क्या बाबू? आज बिशु लाई। हाँ आज बिशु है गांव का। हम लोग को सभी कोई को अपना अपना ड्यूटी मिला हुआ है। नीतू को बच्चा खिलाने का ड्यूटी मिला हुआ है, इसलिए बाबू को खिला रही है नीतू। और हमको यहाँ पे साफ सफाई करने का ड्यूटी मिला है, गोबर से लेप लगाऊंगी, और गुहाल झाड़ू लगाने का ये चीज मिला है। और माँ आज खाना बना रही है, माँ बोल रही है जाओ मैं खाना बनाऊंगी और तुम वहाँ पे साफ सफाई करना। और भाभी अभी नीतू ये चांदनी के लिए नाश्ता बना रही थी। चांदनी का स्कूल है, चांदनी का स्कूल छुट्टी नहीं है, सरकारी स्कूल में केवल छुट्टी है तीसरा सैटरडे का। तो ठीक है, जल्दी से मैं ये सब अरे मतलब अच्छे से करती हूँ, आज अच्छे से पूरा अरेंज करके रख दूंगी सारे सामान को। देखिए पूरा कैसा है। और इधर भी पूरा बिखरा हुआ है, देख लीजिए। और इधर भी देखिए कैसा दिख रहा है सामान, देखिए इधर भी। तो मैं अच्छे से रूम को आज सजाऊंगी, और बाहर भी देख लीजिए ये सब में तो सामान है बोरी सब में, तो ये सब ऐसे ही रहेगा, बाकी अंदर में अच्छे से सजा के रख दूंगी। और नीतू साइकिल यहाँ पे अंदर घुसा के रख दी है, और इधर खांची है, तो खांची सब में भी सामान रखा हुआ है। लहसुन है यहाँ पे, इसको काटना है, काटे नहीं, नहीं ऐसे ही रखती है माँ। और ये सब में आलू है, क्या क्या सामान है। चाची के लड़का खाले सुनेला टंगे टंगे। वाह। गांव चांदनी लगनी और बाबू को चुप है, देख बोल रहा है बाबू टंगे टंगे टेंगे टेंगे बोलने से ना बाबू चुप हो जाता है पूरा। खाली टेंगे टेंगे कर दीजिए ना, ये रोएगा तभी चुप। पेन से अभी खेल रहा है। इधर देखिए पूरा अचरा कचरा हो गया है। और पापा भी आ गए इधर से,
पापा पूछने आए कि नीतू का स्कूल छुट्टी है क्या। अरे चुप रहो ना बाबू, कितनों अच्छे से घर को सजा के रखो, फिर से जैसे के तैसे हो ही जाता है तुरंत। ज्यादा दिन नहीं, एक से दो दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर जैसे के तैसे हो ही जाता है। एक कोई को अच्छे से रखने से नहीं होता है, सभी कोई अच्छे से रखेंगे तो ही ना घर अच्छे से रहेगा, नहीं तो फिर वैसे ही रहेगा। इसीलिए सामान बिखरा बिखरा रहता है। कितना एक कोई अरेंज करके रखेगा, सभी कोई करते तब ना, जहाँ का सामान वहीं से उठाते और वहीं पे रख देते, ऐसे करते तो अच्छा रहता, सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहता। बट ऐसे कोई नहीं करते हैं। इधर देखिए कैसा हो गया है दोस्तों। घर में ना सबसे ज्यादा गंदा माँ नीतू और चांदनी तीनों का ही करते हैं। सामान ना पूरा बिखरा के रख देते हैं, जहाँ का सामान वहाँ नहीं रहने देते हैं। माँ भी ऐसे ही करती है, माँ बोलती है कि तुम लोग क्यों है, तुम लोग अच्छे से रखो, तुम लोग सजा के रखो, तुम लोग क्यों है, ऐसे करती है माँ। और नीतू बोलती है कि तुम है, जब तक तुम्हारा शादी नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम्हारा शादी होगा उसके बाद फिर मैं करूँगी। बोलती है कि तुम है, भाभी है, तो फिर मैं क्यों करूँगी, ऐसे ही बोलती है नीतू। और वो भी अच्छे से नहीं रखती है। देखिए ड्रेस कैसा रखी है, अपना सारा चीज़ अच्छे से रखना पड़ता है, तो डेली डेली ऐसे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, सब कोई करेगा तो फिर ठीक लगेगा और अच्छे से घर रहेगा। नीतू को सब कोई बोलते हैं बट वो सुनती नहीं है किसी का, वो अपना काम पे भी खुद निर्भर नहीं रहती है, दूसरे पे ही डिपेंड रहती है। सारा उसका ड्रेस ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। सो दोस्तों रूम को मैं अच्छे से सजा के रख दी हूँ, अरेंज करके रख दी हूँ सारे सामान को, जितने भी बिखरे बिखरे सामान थे। सो मैं आप सभी को दिखाती हूँ बैक कैमरे से, और बढ़िया पर्दा देते। और इधर से माँ भी आ गई कि ना, बहुत बढ़िया पर्दा लगाए देना। तो ये तो बिखरा के राखी देसी माँ ना सामान को बिखरा के रख देती है, ऐसे ही मैं सजा के रखती हूँ बट माँ ऐसे करती। माँ और नीतू भी बहुत ज्यादा सामान को ये करके रखती है, एक भी थोड़ा वो कुछ नहीं करती, ना झाड़ू लगाएगी ना सामान को अच्छे से रखेगी, अपना कपड़ा भी अच्छे से नहीं रखती है मोड़ के, तो इसीलिए सामान पूरा बिखरा बिखरा दिखता है। तो मैं दिखाती हूँ आप सभी को बैक कैमरे से, माँ भी क्या बोल रही है, माँ पूरा खुश हो गई। हाँ कि यहाँ पे सामान था बक्सा के ऊपर, कपड़ा वगैरह रखा हुआ था तो मैं सबको हटा दी, और यहाँ भी सामान बिखरा हुआ था तो यहाँ भी मैं अच्छे से रख दी हूँ, देखिए नीचे में, ताकि ये ना दिखे खराब, इसलिए मेरा दुपट्टा है उसको मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा सामान रखा हुआ है, इधर देखिए अचरा कचरा एकदम पूरा गंदा दिखता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लगा दी हूँ ताकि ना दिखे। और कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसा दिख रहा है, आप लोग बताइएगा कि कौन सा सामान को किधर रखने से अच्छा रहेगा, अच्छे से दिखेगा घर साफ सुथरा। बाकी मैं तो जितना सके उतना मैं कर दी जैसे करना था, इधर उधर सारे सामान को अच्छे से मैं रख दी हूँ। तो अब मैं लेप लगाऊंगी ये बाहर वाला रूम को और आंगन को, और देखिए मुर्गी सब अभी खा रहा है चावल। गोबर में ला ली हूँ देखिए बाल्टी में, तो अब मैं लेप लगाऊंगी। दोस्तों मैं घर को अच्छे से लेप लगा दी हूँ, अब मेरा केवल दो काम बचा हुआ है, आंगन लेप लगाना और गुहाल झाड़ू लगाना, तो वो सब भी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। आंगन को देखिए मैं अच्छे से लेप लगा दी हूँ चारों तरफ,
अब मुझे गौशाला झाड़ू लगाना बाकी है, तो मैं गौशाला भी झाड़ू लगा दूंगी अच्छे से। बाप रे काफी थक गई मैं काम करते करते, तो ठीक है जल्दी से गौशाला में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। ज्यादा गोबर नहीं है, बस दो तीन जगह गोबर है, इधर पूरा गिल्ला गिल्ला गोबर है। गौशाला को मैं अच्छे से साफ कर दी हूँ देखिए, और गोबर यहाँ पे उठा के रख दी हूँ गमला में। मैं गोबर उठा ली हूँ और गौशाला को भी अच्छे से साफ कर दी हूँ, तो अब मैं साबुन से हाथ को वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो फिर स्मेल देगा। तो ठीक है साबुन से मैं अच्छे से हाथ को वॉश करती हूँ। देखिए यहाँ पे नल लगा हुआ है।